तो पाकुड़ से लट्टीपारा तक बनी मुख्य सड़क मार्ग इन दिनों गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। खासकर पाकुड़ से हिरनपुर तक की सड़क स्थिति इतनी जर्जर हो गई है कि वाहन चालकों का चलना भी दुर्भर हो गया है। कहने को तो यह सड़क नेशनल हाईवे को गई है, लेकिन वर्तमान में सड़क की जो हालत है उससे आम जनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं PWD विभाग के अभियंता बताते हैं कि सड़क को नेशनल हाईवे को हैंडओवर कर दिया गया है और उन्हीं के देखरेख में सड़क का बनना और मेंटेन होना है, लेकिन टेंडर फाइनल होने और सड़क बनने तक में कम से कम 2 साल का वक्त लग सकता है। तो वहीं अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकुड़ की जनता 2 साल तक किसी जर्जर सड़क पर चलने के लिए बाध्य होगी और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। पहले हम लोगों के अंदर थी RCD के, लेकिन अब तो NH को हैंड ओवर हम लोग कर चुके हैं, लेकिन NH में ये टेंडर में हो चुका है तो हो सकता है जितना जल्दी से काम शुरू हो जाए। अब तो मतलब NH से मतलब बता पाएंगे कि कब कितना जल्दी काम शुरू हुआ। फिलहाल जो सड़कें खराब हैं उसका कुछ रिपेयर का कुछ मरम्मती का कोई उसका तो पूरा मेंटेनेंस का जितना भी काम है वो NH को करना होगा। अब उससे तो मतलब RCD उसमें कुछ नहीं कर पाएगी। पाकुड़ से लेके हिरनपुर लिट्टीपाड़ा तक का रोड पूरा दयनीय अवस्था है। सारे लोगों का घर का पानी रोड पे बह रहा है। इसको जो मरम्मत होने का बहुत ज़रूरी है। गंदगी पानी बहुत ज़्यादा बह रहा है। आने वाला दिन दुर्घटना होती रहती है, छोटी बड़ी होते रहते हैं। इस पर थोड़ा पहल किया जाए। पाकुड़ से लेके हिरनपुर तक का NH जो है अभी तत्काल काफ़ी दयनीय स्थिति में है, जो कि इसका मरम्मती हो या निर्माण पूरा निर्माण हो ये बहुत ही आवश्यक है। और हिरनपुर मुख्यालय की बात करें तो यहाँ के जनता विवश है गंदे पानी में चलने को। तो इस पूरे खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर कार्तिक जुड़ रहे हैं। कार्तिक, इस पूरे जो मामला है जर्जर सड़क का, बताया जा रहा है कि 2 साल तक ये पूरा जो जर्जर सड़क इसी तरह से रहेगा, तो इसके लिए आखिर जिम्मेदारी कौन उठाएगा? यह सड़क जो है पाकुड़ से दुमका जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली मेन सड़क है, मुख्य सड़क है। और यह सड़क 2019 में PWD ने NH को हैंडओवर कर दिया है, लेकिन NH की ओर से न तो सड़क को तत्काल चलने के लिए मरम्मती की जा रही है, न ही इसका अब तक टेंडर फाइनल हुआ है। जैसे कि जानकारी मिली है कि यह टेंडर प्रलिप्त हुआ है, टेंडर अब तक फाइनल नहीं हुआ है। टेंडर फाइनल होगा उसके बाद काम होने में 1-2 साल लगेगा। तब तक तो सड़क तो दिनों दिन जो जर्जर होती जा रही है, लोगों को काफी आने जाने में परेशानी हो रही है। इसी सड़क से जिले के मंत्री से लेकर सांसद विधायक कुतरा करते रहे, किन्हीं सड़क पर नजर नहीं पड़ रही है। लोग काफी परेशान हैं आने जाने में, तो लोगों को खासकर बाइक चालक फोर व्हीलर को काफी दिक्कत है। सड़क कई जगह सड़क गड्ढे में तब्दील रोक के तालाब की ऐसा बड़ा बड़ा असर ले चुका है। जरूरत है कि जितना जल्द हो सड़क की मरम्मती। इस परेशानी का हल अब तक किसी भी सांसद विधायक या निगम की तरफ से कुछ कोई नहीं, किसी की तरफ से अब तक कोई पहल नहीं दिख रहा है। बस विभाग केवल हैंडओवर कर दिया है, लेकिन हैंडओवर से थोड़ी तत्काल तो वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, सड़क की मरम्मती होनी चाहिए। जी बिल्कुल कार्तिक, एक वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो पाकुड़ से लिट्टीपारा तक बनी मुख्य मार्ग इन दिनों गड्ढे में तब्दील हो चुकी है और सारे जनप्रतिनिधि बस हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।